बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे फिश तवा पीस। चिकन तवा पीस तो हम खाते हैं, फिश तवा पीस हम आज बना के आपको दिखाएंगे। मेरे वाले साहब बनाते थे, बहुत मजे का बनता है। ये देखें, दो पीस हमने लिए हैं बड़े बड़े फिश के। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया, हाफ फ्राई मसाला लगा के। और एक दरमियाने साइज की प्याज डलेगी, दो दरमियाने साइज के टमाटर, दो से तीन चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा धनिया और तीन चार सब्ज मिर्चें कटी हुई। मसाले डालेंगे उसमें, नमक हसबे जायका, सुरख मिर्च आधी चम्मच, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच अजवैन, आधी चम्मच गरम मसाला, दो चुटकी काली मिर्च और आधी चम्मच धनिया और दो चुटकी हल्दी। चार चम्मच लेंगे हम ऑयल के, फ्राई पैन में डाल के प्याज को ब्राउन करेंगे। पहले दरमियाने साइज की प्याज लेनी है, इसको हम हल्का ब्राउन करेंगे दरमियानी आंच पे। घी गर्म होता है, फिर हम ये ऑयल लेके, ऑयल डालें, घी डालें। ये देखें, चार पांच चम्मच ऑयल लिया, ज्यादा कोई खाता है कोई कम, मैं तो चार पांच चम्मच ही डालता हूँ इतने में। ये भी हम मसाला बनाते हैं। हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो गया, ये देखें प्याज हल्का ब्राउन हो गया। अब इसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट दो से तीन चम्मच और इसको दो तीन मिनट मजीद पकाएंगे। ये देखें प्याज हल्का ब्राउन करके उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब उसमें टमाटर डाल रहे हैं, इसका पाँच मिनट इसको पकाएंगे। ठीक है, टमाटर का पानी खुशक हो गया। अब इसमें डालेंगे सब्ज मिर्चें, बड़ी बड़ी काट के डालनी है, तीन चार ही डालनी, ज़्यादा नहीं डालनी। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे मसाले, एकदम से ही डाल देने सारे मसाले। ये देखिए, फिश हमारी हाफ फ्राई की हुई है, उसके ज़्यादा देर नहीं लगनी, इसलिए हम मसालों को अच्छी तरह पकाएंगे, फिर उसमें फिश रखेंगे। डाल सकते हो ऑयल एक दो चम्मच और, लेकिन मुझे तो इतने ही पसंद है, मैं तो और नहीं डालूँगा। कोई लोग ज़्यादा खाते हैं, कोई कम खाते हैं। बहुत ज़बरदस्त हमारे फिश तवा पीस तैयार होगी, बहुत मज़े की बनेगी। मैंने कहा आज अपने वालद साहब की याद ताज़ा कर लें, वो बनाते होते थे कभी कभी। अक्सर मछली का शिकार खेलने जाते थे तो वो आके फिर बनाते थे घर में ऐसी चीज़ें। ये देखिए जी, हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें रखेंगे फिश के पीस, दो पीस ही मैंने बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए। फिश के पीस रख के इस तरह बाकी का मसाला इसके ऊपर डालेंगे। इसके बाद आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है ताकि पीस टूटे नहीं, मसाला इसके अंदर तक चला जाएगा। बहुत ज़बरदस्त हमारे फिश तवा पीस तैयार होंगे, बहुत मज़ेदार बनेंगे। आप भी घर में बनाया करें, ट्राई किया करें, बहुत मज़े के लगते हैं। आप खाएंगे तो याद ही करेंगे जीएम इन किचन को। माशाल्लाह जी, बहुत खुशबू आ रही है। ये देखिए, हमने ढाँप दिया, अब इसको दो से तीन मिनट दम लगाएंगे ताकि हमारी फिश अंदर तक गल जाए और पानी खुशक हो जाए। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, स्पेशल हमने फिश तवा पीस बना के डिश आउट किए हैं, अभी हम खाएंगे। साथ मैंने चटनी बनाई है आलू बारा इमली और सूखी खरबानी की। ये देखें, बहुत सारे ब्लॉक बन गए हुए हैं। ये हाफ फ्राई करने का फायदा है कि अंदर से सारा पानी खुशक हो जाता है और मछली के अलहदा अलहदा ब्लॉक से बन जाते हैं, बहुत मजे की लगती है। अभी हम खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा फिश तवा पीस बन के तैयार हो गया, नान आ गए हैं, अभी हम खाने लगे हैं। लहरा लहरा अंदर मछली के ब्लॉक बने हुए हैं, बहुत खुशबू आ रही है मछली की। स्पेशल फिश तवा पीस, ये हम खा रहे हैं फिश तवा पीस, मैं और शिरोज, बहुत मजा आ रहा है। यह अब हम बाइट खाने लगे थे, बहुत मजे की बनी, आज तो मजा ही आ गया।